बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे माया, माया बनाने का तरीका, क्योंकि बड़ी ईद भी आ रही है, लोग कपड़ों को माया लगाते हैं, कॉटन के कपड़ों को, और अक्सर जब माया लगाते हैं तो उसमें गुठलियाँ आ जाती है, जब प्रेस किया जाता है तो वाइट वाइट ऊपर छप जाता है उनके। लेकिन जिस तरीके से हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ये 2 कप लिया है माया, इसके साथ 1 गिलास हमने लिया है पानी, ये छलनी और पैन लिया है हमने, इसको छलनी करना है। इसके साथ ये पानी बॉयल हो रहा है, तकरीबन 1 गिलास हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा है। आपको इसका तरीका बताएंगे। ये माया में हमने पानी डालना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाना है, और आप देखते जाएंगे कि इसमें जो कुछ भी है, सुसरी वगैरह जो होती है इसमें अक्सर माया में, वो ऊपर आ जाएगी। बास लोग डायरेक्ट ऐसे ही माया डाल के पकानी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर ये आप देख सकते हैं ये जो ज़रात ऊपर आ रहे हैं, वो ये ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ जो मिक्स हुई होती हैं इनमें, वो फिर साथ ही कपड़ों के लग जाती हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब हम इसको छलनी करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितना ऊपर इसके ज़रात मिट्टी वगैरह जो कुछ भी इसमें मिक्स था माया में, देखने में बिल्कुल साफ लग रही थी, लेकिन अब आप देख, अब हमने इसको छलनी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल ये फ्रेश हो गई है। अब हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम हलाएंगे तो ये गहरी हो जाएगी, और उसके बाद हम इसको कपड़ों को लगा देंगे पानी मज़ीद कपड़ों में डाल के। अब ये जो पानी बॉयल हो रहा था, अब हमने ये माया इसमें ऐड कर देनी है। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये इसने रेडी हो जाना है। अगर आपके पास बड़ी छलनी नहीं है, छोटी छलनी है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, जिससे चाय वगैरह छलनी की जाती है, दूध छलनी किया जाता है, आप उसके साथ भी इसको छलनी कर सकते हैं। इसी बारीक लॉन के कपड़े को लेके उसके साथ भी आप छलनी कर सकते हैं। ये चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच अगर हम रोक देंगे तो इसमें गुठलियाँ पैदा हो जाएंगी। सकते हैं माशाल्लाह गहरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और मुसलसल हम चम्मच हिला रहे हैं। जब इसका कलर ग्रे ग्रे होना शुरू हो जाए, ठीक ठीक होनी शुरू हो जाए, फिर हम इसके नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल गहरी और थिक हो गई है, और कलर भी इसका ग्रे ग्रे सा होना शुरू हो गया है। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब आप इसको जितने हिसाब से आपके कपड़े हैं उतने हिसाब से थोड़ा सा बाल्टी या टब वगैरह में पानी डालें, उसमें ये डालें और कपड़ों को माया लगाएं। ये बेहतरीन तरीका है पकाने का, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ईद के कपड़ों के ऊपर आपके वो दाग वगैरह ना लगें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।